हे एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूएनओ के बारे में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। और अब जैसे आप सबको पता है, इट्स अ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें इसका फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन, देन उसका प्रिंसिपल, ऑब्जेक्टिव एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ जनरल नॉलेज। सो आज जितनी भी बात होगी वो करेंगे हम यूएनओ के ऊपर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हम इंट्रोडक्शन की, राइजिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशन, दैट हाउ दिस ऑर्गेनाइजेशन राइज्ड। ओके, तो द फर्स्ट अटेम्प्ट टुवर्ड अचीविंग एम ऑफ वर्ल्ड पीस वाज इन द फॉर्म ऑफ लीग ऑफ नेशंस क्रिएटेड आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स इन 1990 एंड वॉज डिसबैंड इन 1946। ओके, सो कहा जाता है कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ था वर्ल्ड पीस के लिए, मतलब दुनिया में, एज यू नो कि पिछले टाइम उस टाइम पे बहुत बुरी हालत थी। सो मतलब दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में एक पीस लाने के लिए एक जो अटेम्प्ट था वो स्टार्ट हुआ था। और उसका नाम था लीग ऑफ नेशन, ठीक है, जो क्रिएट किया गया था आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, ठीक है। तो बट फाइनली वो डिसबैंड हुआ था इन 1946 में, और वॉज अ फेलियर एज इट काउंटर अवर्ड सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब इस फेल इसलिए हुआ था क्योंकि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो थी उसको रोक नहीं पाया था, उसको काउंटर नहीं कर पाया था। सो दैट्स वाई ये बैन हो गई। तो फिर उसके बाद देन फाइनली यूनाइटेड नेशन जो था वो केम इन एग्जिस्ट आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद यूएनओ जो थे वो यूएनओ जो है वो एग्जिस्ट में आई, और 24 अक्टूबर 1954 में ये टाइमिंग पीरियड है इसका। तो जो नेम है यूनाइटेड नेशन वो क्वाइन किया गया था बाय यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, ठीक है। ये यूएस प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, इन्होंने यूनाइटेड नेशन जो था इसका नेम जो था वो क्वाइन किया था, दिया था। ओके, तो उसके बाद इसके जो चार्टर थे वो साइन किए गए सैन फ्रांसिस्को ऑन July 26, 1945 में बाय 51 कंट्रीज। ओके, मतलब 26 जून 1945 में सैन फ्रांसिस्को में 51 कंट्रीज ने इसके चार्टर को साइन किया था, ठीक है। और पोलैंड जो थी उसने लास्ट में ज्वाइन किया था। सो फाइनली उसके बाद यूनाइटेड नेशन डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 24 अक्टूबर, ठीक है, हर साल। उसके बाद मेन आता है ऑब्जेक्टिव। सो इसका क्या ऑब्जेक्टिव था? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव इसका आपको पता है, इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी को मेंटेन करना। दूसरा था फ्रेंडली रिलेशनशिप बिल्ड करना अमंग नेशंस, ठीक है। और उसके बाद सोशल प्रोग्रेस, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड जो है ह्यूमन राइट का, उस चीज़ को प्रमोट करना। ओके, तो बेसिकली इट्स अ पीस लविंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मतलब जिसका मेन कारण, मेन बनने का कारण और मेन वर्क यही है कि इंटरनेशनल लेवल पे पीस एंड सिक्योरिटी जो है और फ्रेंडली रिलेशनशिप जो है वो हो सभी नेशंस के बीच में। ओके, सो ये था ऑब्जेक्टिव। अब बात करते हैं प्रिंसिपल्स की। तो इसका पहला प्रिंसिपल जो है वो बेस्ड है स्वर्न इक्वालिटी ऑफ ऑल इट्स मेंबर, मतलब जितने भी इसके मेंबर वो सारे के सारे इक्वली हैं, ठीक है, दैट्स आर ऑल इक्वली। तो नेक्स्ट आता है कि दे आर टू सेटल देयर डिस्प्यूट, मतलब दूसरा जो है इसका प्रिंसिपल वो ये है कि जितने भी डिस्प्यूट्स हैं इंटरनेशनली उनको पीसफुल मीन से सॉल्व किया जाए। देन आता है शुड नॉट असिस्ट द स्टेट अगेन विच प्रिवेंटिव और एनफोर्समेंट एक्शन इज टेकन रादर शुड असिस्ट यूएन। देन उसके बाद मेन आता है कि नथिंग अथोराइज्ड यूएन टू इंटरवेन, मतलब यूएन जो है वो इंटरवेन नहीं कर सकता अगर किसी स्टेट का मैटर जो है वो प्योरली मतलब कंसर्नड है उसके अपने तक ही, तो उसमें यूएन जो है वो उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता यूएन। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम मेंबरशिप की। तो मेंबरशिप की बात करें तो दो ओरिजिनल मेंबर है यूएन के दोस कंट्रीज, वो वाली कंट्रीज है जिन्होंने साइन किया था डिक्लेरेशन के ऊपर बाय यूनाइटेड नेशन ऑफ 1 जन 1942 में, और उस टाइम पे 26 कंट्रीज थी जिन्होंने पार्ट लिया था फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस में और इसको साइन किया था। ओके, तो वो सारी के सारी इसके ओरिजिनल मेंबर्स हैं। देन उसके बाद अदर कंट्रीज कैन बी एडमिटेड टू द जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ यूएन स्टैंड्स एट 193 इन 14 जुलाई 2011
South Sudan was admitted as a 193 members of UN. ओके तो कहा जाता है कि बाकी जो कंट्रीज थी वो एडमिटेड हुई थी जनरल असेंबली में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की रिकमेंडेशन पे, और उस टाइम पे मतलब 14 जुलाई 2011 में 193 मेंबर्स थे. और देन उसके बाद जो साउथ सूडान थी वो सबसे लास्ट वाली थी, ठीक है. उसके बाद वेटिकन हो गया, ताइवान हो गया और नॉट दी मेंबर ऑफ यूएन. वेटिकन जो है वो एक परमानेंट ऑब्जर्वर है, और ताइवान जो है इसने अपनी मेंबरशिप जो है वो लॉस कर दी थी टू द कम्युनिस्ट चाइना इन 1971. ओके नेक्स्ट आता है हेडक्वार्टर्स. तो फर्स्ट रेगुलर सेशन जो है यूएन के वो हेल्ड होते हैं सेंट्रल हॉल में, और वो कहाँ पे है, लंदन में. नेक्स्ट आता है परमानेंट हेडक्वार्टर जो है यूएन का सिंस 1952, वो है न्यूयॉर्क में, और इसकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो हुई थी अक्टूबर 1952 में वहाँ पे. नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट बात करेंगे हम ऑर्गन्स ऑफ द यूएन, यूएन ऑर्गन्स की. तो यूएन के ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो 6 मेन ऑर्गन्स हैं, जिनमें सबसे पहले बात करेंगे हम जनरल असेंबली की, देन सिक्योरिटी काउंसिल, सेक्रेटरिएट, ट्रस्टशिप काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, एंड देन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. ये 6 ऑर्गन्स हैं, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं यूएन के, जिनके बारे में बात करेंगे. तो सभी हम देखेंगे कि मतलब इनके फंक्शंस क्या क्या हैं और क्या क्या चीज़ें हैं इनमें अंदर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे हम जनरल असेंबली की, और जनरल असेंबली का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में, ठीक है. बेसिकली जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं ये उन सब मतलब सभी होते हैं वहाँ जनरल असेंबली में, और मैक्सिमम नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच स्टेट दैट इज़ 5. मतलब मैक्सिमम जो रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं हर एक स्टेट से, वो स्टेट मतलब नेशन, ठीक है. पॉलिटिकल लैंग्वेज में स्टेट मतलब नेशंस को रिप्रेजेंट करता है, ओके मतलब 5 है. उसके बाद इक्वल रिप्रेजेंटेशंस मतलब ईच स्टेट 1 वोट. उसके बाद जनरल असेंबली इज लाइक वर्ल्ड पार्लियामेंट, यूजली मीट वंस अ ईयर. जनरल असेंबली एक तरह की वर्ल्ड पार्लियामेंट है, जैसे हमारी इंडियन पार्लियामेंट है उस तरह से जनरल असेंबली जो है वो एक वर्ल्ड पार्लियामेंट है, जो साल में एक बार जिसका मीटअप होता है. और डिसीजन जो है यहाँ पे जो लिए जाते हैं वो 2/3 मेजॉरिटी के बेसिस के ऊपर लिए जाते हैं. ओके अब बात करते हैं इसके फंक्शंस की. तो इसका फंक्शन, पहला मेन फंक्शन ये है कि ये सेक्रेटरी जनरल जो है यूएन के उनको अपॉइंट करती है, और बेसिकली ये जो अपॉइंट करती है वो उसकी जो रिकमेंडेशन है वो सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो इसको देता है, ठीक है. उसके बाद ये नॉन परमानेंट मेंबर्स जो रहते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में उनको इलेक्ट करता है, सोशल इकोनॉमिक काउंसिल के मेंबर्स को इलेक्ट करता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजेस को इलेक्ट करता है. डिसीजन जो रहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर जिसमें मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है, वहाँ पर ये हेल्प करता है. और यू कैन से ये एक मेन डेलिब्रेटरी ऑर्गन है यूएन का, ओके. देन उसके बाद ओवरसी द बजट ऑफ यूएन, यूएन का जो बजट है उसको भी यही देखता है. जनरल असेंबली के बाद बात करते हैं सिक्योरिटी काउंसिल की. तो इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में है. काउंसिल के 15 मेंबर्स हैं, जिसमें 5 मेंबर्स जो हैं वो परमानेंट मेंबर हैं. परमानेंट मेंबर्स में आता आपका यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, चाइना, और 10 इसके नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं जो इलेक्ट किए जाते हैं 2 साल के लिए बाय जनरल असेंबली. नेक्स्ट आता है परमानेंट मेंबर्स जो हैं उनके पास वीटो पावर होती है, और वो अपनी वीटो पावर को यूज़ कर सकते हैं मतलब किसी भी डिसीजन के ऊपर, ठीक है, जो लिए जाते हैं काउंसिल में. देन उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल के हैव अ पावर टू मेक बिडिंग डिसीजन ऑन मेंबर स्टेट वाइल अदर ऑर्गन ऑफ यूएन ऑन रिकमेंडेशन, ठीक है. मतलब कहा जाता है कि सिक्योरिटी काउंसिल के पास एक पावर होती है जिस पर वो बिडिंग डिसीजन जो है वो ले सकता है मेंबर स्टेट्स के ऊपर, जबकि बाकी जितने भी ऑर्गन्स हैं यूएन के वो सिर्फ रिकमेंडेशन जो है वो दे सकते हैं. नेक्स्ट आता है जितने भी मेंबर्स होते हैं उनका 1 वोट होता है. डिसीजन जो है ऑन प्रोसीजरल मैटर शुड हैव वोट ऑफ एटलीस्ट 9 ऑफ दी, मतलब 9 बंदों के वोट होने चाहिए कम से कम 15 मेंबर्स में से. नेक्स्ट आता है G4 नेशंस. G4 4 कंट्रीज बिड फॉर परमानेंट. G4 नेशन का एक्चुअली कंसेप्ट अभी जो रिसेंटली लॉन्च हुआ आपको पता होगा मैं, ठीक है. और देखिए इसका जो प्राइमरली जो वर्क है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना. ओके तो नेक्स्ट जो है अब पावर्स की बात करेंगे हम. यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की पावर क्या क्या है. बेसिकली पावर जो है
आउटलाइंड इन यूएन चार्टर, उसके बाद ये एक पीस कीपिंग ऑपरेशन जो एस्टेब्लिश करती है इंटरनेशनल और इंटरनेशनल सेंक्शंस पे, उसके बाद मिलिट्री एक्शन को अथॉरिटी यही देते हैं, अथोराइजेशन यही देते हैं, उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर जो होते हैं ये हमेशा प्रेजेंट रहते हैं एट यूएन हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क, सो दैट सिक्योरिटी काउंसिल कैन मीट एनी टाइम। ओके, नेक्स्ट आता है नॉन परमानेंट मेंबर जो हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, तो 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं जो जनरल असेंबली द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं 2 साल के लिए, और कैंडिडेट मस्ट बी रिसीव एटलीस्ट 2/3 ऑल वोट्स। नेक्स्ट बात करेंगे हम सेक्रेटरिएट की, और इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में है। देन इसके बाद ये बेसिकली डे टू डे जो फंक्शनिंग रहती है यूएन की ये वो कैरी करता है, ठीक है। सेक्रेटरिएट नाम से आपको पता लग गया है, ठीक है। हेड करता है इसको बेसिकली कौन, हेड इसको किया जाता है सॉरी ओके सो जो ओके सो हेड बाय जनरल सेक्रेटरी जनरल, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ऑफ यूएन, ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है यूएन का। सिक्योरिटी जनरल जो है वो जनरल असेंबली द्वारा अपॉइंट किया जाता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। इसकी जो टाइम पीरियड होता है वो 5 साल होता है, और उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो इज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ठीक है, सॉरी सेक्रेटरी जनरल। और उसके बाद ही इज असिस्टेड बाय स्टाफ ऑफ इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट वर्ल्ड वाइड, और ये जो सेक्रेटरिएट है बेसिकली यहाँ पे जो इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट जो होते हैं ये उनका स्टाफ होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दी ट्रस्टीशिप काउंसिल की, तो इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में है। और नेक्स्ट इसका जो एम है वो है हेल्पिंग कंट्रीज अंडर फॉरेन रूल टू अटेन इंडिपेंडेंस, मतलब जितनी भी कंट्रीज अंडर जो अभी भी गुलाम हैं उनकी हेल्प करना, ठीक है, ये इसका मेन वो फंक्शन है। ये फॉर्म हुई थी 1945 में, और ये बेसिकली ट्रस्टीशिप काउंसिल जो थी सस्पेंडेड ऑपरेशन ऑन 1 नवंबर 1994 वेन द इंडिपेंडेंस ऑफ पलाऊ, मतलब पलाऊ के इंडिपेंडेंस के बाद 1 नवंबर 1994 में ये जो ट्रस्टीशिप काउंसिल थी इसने अपने ऑपरेशन को सस्पेंड कर दिया था। नेक्स्ट आता है आपका इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी न्यूयॉर्क में है। देन उसके बाद इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है सोशल प्रोग्रेस को प्रमोट करना और बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो प्रोवाइड करना। उसके बाद ऑपरेशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो कंट्रोल, जितने भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के ऑपरेशन रहते हैं वो सब यही कंट्रोल करता है। यहाँ पर 12 कमीशन हैं जो वर्क करते हैं अंडर इकोनॉमिक सोशल काउंसिल के। टोटल मेंबर्स जो हैं वो 54 हैं, ठीक है, और 18 मेंबर जो हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं हर साल बाय जनरल असेंबली फॉर अ टर्म ऑफ 3 ईयर्स। ओके, तो नेक्स्ट जो है वो इसके कुछ अनदर कंसर्न आप लोग कह सकते हो कि जो मतलब ये किस चीज़ से कंसर्न रहती है। नेक्स्ट आ गया आपका चिल्ड्रन एंड वुमेन डेवलपमेंट, उसके बाद प्रमोटिंग हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उसके बाद इकोनॉमिक सोशल चेंजेस हो गया, इंटरनेशनल सोशल इकोनॉमिक एंड हेल्थ प्रॉब्लम को सॉल्व करना, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट को प्रमोट करना, ठीक है, मतलब जितने भी इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट रिलीजन लैंग्वेज और रिलीजन। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करेंगे अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, और ये फाइनल है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो नीदरलैंड में है। यू कैन से एक प्राइमरी जुडिशियल ऑर्गन है यूएन का, इस्टेब्लिश हुआ था 1945 में। ये 15 जज जो है इसमें होते हैं फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। तो एक जज का जो टेन्योर होता है वो 9 साल के लिए होता है। मतलब जितने भी इलेक्ट होते हैं वो सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। जितने भी क्लाइंट्स होते हैं कोर्ट ऑफ जस्टिस के और मेंबर कंट्रीज, वो मेंबर कंट्रीज होती हैं। वर्किंग लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश और फ्रेंच है। फर्स्ट इंडियन टू बिकम द जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वो कौन था, वो थे BN राव। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस गिव एडवाइजरी ओपिनियन ऑन लीगल मैटर टू द ऑर्गन एंड स्पेशल एजेंसीज टू द UN, एंड इट आल्सो कंसिडर लीगल डिस्प्यूट्स ब्राउट, मतलब जितने भी लीगल डिस्प्यूट्स रहते हैं नेशंस में
वो यहाँ पे सुनाई उनकी होती है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट यूएन और जितने भी यूएन की इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो डिस्कस कर लिए हैं इसमें। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो आज